देश भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में भी दिखा सर, ओपीडी और ओटी में जूनियर डॉक्टर्स नहीं दे रहे सेवा। राजगढ़ में 40 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, हादसे में बजरंग दल के दो पदाधिकारियों की भी मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झोलाछाप डॉक्टर ने कुत्ते को चाकू से उतारा मौत के घाट, कुत्ते की बेरहमी से हत्या करने का वीडियो वायरल, मेनका गांधी ने लिया संज्ञान। सतना में उधारी के लेन देन में चली गोली, बदमाश ने दुकान संचालक के ऊपर किया फायर, तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज। देश में एक बार फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, महाराष्ट्र के भिवंडी में मौजूद वृद्धाश्रम के 69 बुजुर्ग मिले पॉजिटिव, दक्षिण अफ्रीका से लौटे पॉजिटिव व्यक्तियों की हुई ओमिक्रॉन जांच। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डबरा के सिमरिया गांव में बेटे को काटने पर गुस्साए पिता ने बेजुबान जानवर को बेरहमी से मार दिया, जिसे लेकर एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने संज्ञान लिया है। वहीं पीएफए एनिमल लवर टीम के सदस्य भी ग्वालियर पहुंचे और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। झोलाछाप डॉक्टर का धारदार हथियार और चप्पलों से स्वान को मारते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि डबरा पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गलत तरीके से उसने डॉग को मतलब धारदार हथियार से काटा है और वो मर चुका है, और ये अभी एक हफ्ते पुराना वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसको देखते हुए भी कल पता चला, और कल से बराबर हम लोग थाने में दरोगा जी से बात कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए हम न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी को भी सज़ा मिले। बट अभी तक हम थाने के बाहर ही हैं और 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, और दरोगा जी मतलब कोशिश कर रहे हैं मतलब कि हम शायद इसको हम FIR तक ना पहुँचाएँ। उनका मानना है कि मतलब वो डॉग का ऐसा था, पागल था, लेकिन ये सबके सुप्रीम कोर्ट के भी नियम होते हैं, जिसमें 429 धारा IPS 11 और धारदार हथियार से मारा गया तो धारा 25 के तहत इस पर कानूनी कार्रवाई का उचित से उचित कोशिश कर रहे हैं कि ये धाराएं लगें और FIR कटें, जिससे कि लोग अवेयर हों और इस तरह का जो कृतक किया गया ये आगे इसके रोका जा सके। पशुपूर्त अधिनियम के तहत जो उसको मारपीट कर रहा है, ये घटना कब की है और किस चीज़ से मारपीट कर रहा है, ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जो कि वीडियो वायरल हुआ है उसमें कोई शिकायत करता या फरियादी नहीं, तो इस वजह से थोड़ी जांच करवानी। अभी कुछ पशु प्रेमी आए जो उसमें कह रहे हैं FIR की मांग कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से जांच पर से जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ FIR की जाएगी। डबरा में बिक्री होने आ रही फसल पर मल्हार एवं 3% कमीशन से किसान गुस्से में आ रहे हैं, जिसके विरोध में पशुपति मंडी में किसानों ने चक्का जाम किया। किसान मल्हार और आड़त के नाम पर हो रही लूट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने मंडी गेट के सामने डबरा भितरवार मार्ग पर जाम लगाकर इसका विरोध किया। लगभग 2 घंटे तक किसान सड़क पर बैठे रहे, जिसमें कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा। यहाँ पे इसलिए लगाया कि हर ट्रॉली पे मल्हार लगाई जा रही है। पहले आड़तिया के द्वारा ये कह दिया जाता है कि 3,000 की ले रहे हैं, फिर कांटे पे जैसी ट्रॉली पहुंची तो उसमें 200-300 रुपए कम कर देते हैं प्रति क्विंटल के हिसाब से। मंडी सचिव को हमने शिकायत की थी, उसने कहा था कि एक किसी किसान को लेके तो आओ शिकायत थी। समस्या ये है कि एक तो डाला खुलने के बाद कुछ रेट है, पहले कच्ची पर्ची देते हैं या पहले ही पक्की पर्ची दे दो। पहले ही आप चेक कर लो ट्रॉली को, आप ट्रॉली कहीं और है, चेक कहीं और करते हो, ट्रॉली पास नहीं जाते। जब कहते ट्रॉली के पास चेक कर लो, नहीं हम वहीं करेंगे चेक। सब मैं इसी आज से आया था यहाँ पर कि मेरी धान कुछ अच्छे भाव चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेरी ट्रॉली बानकी के हिसाब से पहले कुछ भाव लगाया जाता है, जब मेरी ट्रॉली कांटे पर पहुंच जाती है ना तो वो भाव और अलग लगाया जाता है। क्या बेचने? हमने धान बेची, 17-18 धान थी, 3,450 धान गई है उस पर। फिर मैंने गोली छिदवाई, मैं चेक कर लूँ माल, बोलने बोले कि कहा थे ये इसमें जो माल ऐसा ऐसा, मैंने तुमको तुमने माल बताया वो माल ऐसा है, 19-20 है खुला बहुत।
टीकमगढ़ में जगह जगह अतिक्रमण से नगरवासी परेशान है, जिस पर अब प्रशासन व नगर पालिका अमले ने अभियान छेड़ते हुए चालानी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। किले के मैदान से होते हुए स्टेट बैंक चौराहा से मुख्य बाजार तक के अतिक्रमण को हटाया गया है। टीकमगढ़ SDM सौरभ मिश्रा ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है और जल्द नहीं हटाने पर सामान जब्त कर खुद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी है। टीकमगढ़ जो है अपना सपनों का शहर है, यहाँ बहुत सारी चीजें यहीं आप लोगों ने ही टीकमगढ़ के लोगों ने विकसित की है और हमारा जो मार्केट है बहुत अभी संकुचित होता जा रहा है। लगातार आप लोगों के माध्यम से आम जनता से भी और कई प्रकार से सूचनाएं मिलती थी कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों ने अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण कर रखा है। तो 10-15 दिन पहले नगर पालिका के द्वारा और हम लोगों ने सबने मिलके सबको समझाया था और सबका एक पहली बार खुद से हटवाया था, बोला था कि आप लोग ये हटा लें, लेकिन फिर भी अभी जो का तो लोग किए हुए हैं। तो आज नगर पालिका के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। आज नगर पालिका, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ में भी संयुक्त रूप से जो भी दुकानदारों के द्वारा नाली के बाद जो भी कच्चा पक्का निर्माण कर लिया गया है, छत्ती बना ली गई है, उन सबको मतलब आदेशित किया गया है और अंतिम अवसर भी दिया गया है। नगर पालिका ने और प्रशासन ने कोर्ट में भी कई बार लोगों को सूचित किया था कि अपना ये जो भी अतिक्रमण आप लोगों ने कच्चा पक्का कर लिया हटा लें। नरसिंहगढ़ में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के फादर व प्रिंसिपल द्वारा छात्रों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार छात्रों को स्कूली फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर छात्र संगठन ने स्कूल के फादर व प्रिंसिपल का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं फीस को लेकर एक बच्चे को करीब एक घंटे तक स्टोर रूम में बंद रखा गया, जिसके चलते छात्र के अभिभावक ने आज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि सेंट जोसेफ स्कूल की पहले भी कई बार FIR दर्ज हो चुकी है। सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत एक बदमाश ने दुकान संचालक के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया। उधारी को लेकर दोनों में विवाद होना बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आरोपी के पास से 312 बोर का देसी कट्टा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ 307 का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपी के साथ अन्य 3 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ₹1,200-1,500 का करीब उधार था, तो आज वो उनका सामान भी कुछ रखा हुआ था, आज वो अपना सामान लेने आया, तो मैंने उनसे कहा कि भैया आपका ₹1,500 जो लिखा हुआ है वो दे दीजिए, मैं आपको सामान दे देता हूँ। तो जिसके मैंने कहने पर उन लोगों ने मेरे से विवाद करने लगे, बोले सामान दो और पैसा नहीं देंगे, तुम्हारा सामान ख़राब था, ये है वो है। 6 महीने बाद किसी भी सामान की कोई गारंटी नहीं होती, गाड़ी घोड़ा है, मैंने यही बोला उनसे, बोले नहीं तुमने ख़राब सामान लगाया, मेरे से ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, ना देंगे तो क्या कर लोगे, तो मैंने कहा अलर्ट पकड़ ली थी, बस यही हुआ। इतने बाद वो आए, बोले वो ठीक है, हो गया, पैसा लेके आते हैं, हम लोग गए वो लोग, उसके बाद आए 10-15 लड़के, मैं दुकान में अकेला था, इन लोग मेरे ऊपर चढ़ने लगे, दुकान में घुसने लगे, मारने लगे, मारे भी मुझे, और फिर उसके बाद जब मैं विरोध करा तो मेरे ऊपर कट्टे से फायर किया। सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने के लिए बीजेपी की आपसी बैठकें लगातार जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, जिसमें मंत्रियों से उनके कामों का हिसाब मांगा जा सकता है और संगठन मजबूती को लेकर भी निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही मंत्री विधायकों की आपत्तिजनक बयानबाजी पर भी लगाम लग सकती है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें गृह मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिंता जताई है। कोरोना पर बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 8 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव केस 126 बचे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसके साथ ही स्कूलों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पालकों की अनुमति के बगैर किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी, वहीं 6 में से 3 दिन स्कूल खुलेंगे। राहुल बाबा ने किया कुछ, कांग्रेस ने किया कुछ, पूरे कोरोना काल में 1.5 साल अपने घरों पर बैठकर ट्वीट करना, कमलनाथ जी ने भी और राहुल बाबा ने, एक जगह कहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में राहुल बाबा किसी कोविड सेंटर पे दिखे हों, किसी को अनाज बांटते दिखे हों, दवा बांटते दिखे हों, वो ट्वीट करें राहुल बाबा तो अच्छा लगेगा देश की जनता को, या कमलनाथ जी किसी कोविड सेंटर पे गए हों कोरोना काल में वो ट्वीट करें तो अच्छा लगेगा। ऐसी राजनीति को अब देश समझ गया है और इसलिए कांग्रेस का ये हश्र हो रहा है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, इसमें पालकों की सहमति अनिवार्य है, पालक सहमति देते हैं तो वो स्कूल जाएंगे, 50% जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वैसा 50% उसे लागू करेंगे, एक बच्चे जाएंगे स्कूल की क्षमता के अनुसार और 50% अगले दिन दूसरी क्षमता के अनुसार। कोरोना के क्षेत्र में आज 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर जाने वाले 8 लोग हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 126 है, संक्रमण दर हमारी 0.002% संपूर्ण प्रदेश की है, रिकवरी दर स्थिर हमारी 98.6 बनी हुई है, सैंपल पिछले 24 घंटे में 52,592 लिए गए। देशभर में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के चलते राजधानी भोपाल के अस्पताल पर असर रहेगा, जहां ओपीडी और ओटी में जूनियर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में जूडा लगातार हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर ने बताया कि पीजी छात्रों की काउंसलिंग नहीं होने के कारण काम का भार बढ़ा हुआ है और जल्द उनकी काउंसलिंग की मांग की जा रही है। पूरे 1 साल का गैप हो गया है और हॉस्पिटल में काम करने वाले केवल 2 ही बैचेस हैं। एक बैच है ही नहीं यहाँ पे। केवल 2/3 कैपेसिटी से हम पूरे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस, सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल चला रहे हैं। हम काउंसलिंग होनी थी नवंबर स्टार्ट में, अब उसमें क्या हुआ कि स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया कि रिजर्वेशन को लेके EWS और OBC को लेके। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेट दी, अभी पिछले 2-3 दिन पहले दी थी डेट, उस पर हियरिंग हुआ और उस पर फिर से उनने डेट बढ़ाकर अब जनवरी की दी है। बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इसको बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं ले रहा इस मैटर को, जबकि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी हमारा देश जो है वो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रहा। गुना में नानाखेड़ी स्थित शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत पिपरौदा खुर्द ने शासन प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। सरकार के विकास के साथ साथ स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन पिपरौदा खुर्द में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कें भी जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुकी है। सरपंच सचिव की मनमर्जी से मोहल्लेवासी नाखुश हैं। यहाँ के लोग जिला प्रशासन को भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। चौमासे में पानी भर जाते और चारों महीने पानी भर रही थे जाने। और पूरे घर में गंदगी, पूरी घर में भर जाते और बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी मच रही है।
हम भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम आवेदन लगा लगा के चार पाँच एक लगा के हुआ तुम्हारा काम, कुछ नहीं हो रहा है। और जो ऑटो माटो गाड़ी वाहन कुछ भी निकल नहीं पाता है, लड़ाइयाँ होती हैं चौधरियों पे इस निकलने की वजह से ही नहीं। कितने साल हो गए गंदगी मस्त हुए। तो इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की है, कोई कहता है जनपद के पास जाओ, जनपद कहेगा सेक्रेटरी के पास जाओ, सेक्रेटरी कहेगा पंचायत में जाओ, कहाँ पर जाओ। किससे किससे शिकायत की है, उनके नाम पता है आपको? क्यों दो चार बार कह लगी, वो नाम तो बताते नहीं है, तो कहाँ से पता रहेगी सर हमको। राजगढ़ से महज 5 किलोमीटर दूर 40 फुट गहरे कुएं में एक कार जा गिरी। हादसे में बजरंग दल के लेखराज सिसोदिया और हिंदू जागरण मंच के लखन नेजर की मौके पर ही मौत हो गई। खुजनेर रोड पर बरखेड़ा गांव के पास रात 12 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में नियंत्रण बिगड़ने से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। पूर्व मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री का दर्द छलका है। कुसुम महदेले ने ट्वीट कर अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। महदेले ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से दुखी हूं। महदेले ने पन्ना के नामचीन भूमाफियाओं का विरोध करने पर कार्यकारिणी की सदस्यता खत्म करने का आरोप लगाया है। वहीं कुसुम महदेले के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अर्थी निकाल का विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है, जिसके कारण आम उपभोक्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन नान के पेट्रोल पंप से लेकर अम्बेडकर जयंती पार्क तक चली। साथ ही प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और महंगाई रोकने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। गैसों के रेट बढ़ रहे हैं जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा रहा है। डीजल एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे परिवहन होता है, उसके कारण आपकी यात्राएं भी महंगी होती हैं, सब्जियां जो परिवहन होती है वो भी महंगी होती है, खाद्य तेल भी महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। पिछली जो सरकारें थी वो कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के रेट में वेरिएशन रखती थी, कम से कम 20 से 25-30 रुपये लीटर डीजल कम हुआ करता था, ताकि अगर थोड़ा बहुत बढ़ाना भी पड़े तो एकदम से महंगाई ना आए। अब क्या है, सरकार की नीतियों के चलते हुए लगातार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाते हुए, डीजल के रेट बढ़ने से जो है आम आदमी का जीवन मुश्किलों में आ गया है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आम लोगों की गृहस्थियों में दिक्कतें आ रही हैं। अनूपपुर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसे लेकर नगर पालिका परिषद पसान कार्यालय में नगर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों तथा व्यापारियों को सुझाव और सहयोग के लिए बुलाया गया, जहां सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने कैमरे को सही स्थान पर और अच्छी क्वालिटी के लिए लगाने को कहा। ऑनलाइन ठगी से भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। डबरा के सिमरिया गांव में कुत्ते ने एक लड़के को अपना शिकार बनाया। बेटे को काटने पर गुस्साए पिता ने बेजुबान जानवर को बेरहमी से मार दिया। व्यक्ति गांव में ही बंगाली क्लिनिक संचालित करने वाला डॉक्टर बताया जा रहा है और डॉक्टर का धारदार हथियार से श्वान को मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सरकार ने कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 50,000 की अनुग्रह सहायता राशि देने का फैसला लिया है, जिसको लेकर रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में
सभी संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर इसकी जानकारी दी है। वहीं कलेक्ट्रेट कैंप स्थल पर अधीक्षक प्रभाकांत उपाध्याय, सहायक नवीन द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल द्वारा छत्री समाज की नारियों पर अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया गया था, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री बिसाहूलाल ने भी सार्वजनिक माफी मांगी है। लेकिन इसके बाद भी छत्री संगठनों का विरोध कम नहीं हो रहा है। सतना में रॉयल राजपूत संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने पुतला दहन किया और SDM को ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। रॉयल राजपूत संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक मंत्री जी को पद से नहीं हटाया जाएगा, हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मगधी रेंज में T66 बाघिन की मौत हो गई है। हाल ही में बाघिन का पैर गंभीर रूप से घायल था, जिससे वह शिकार भी नहीं कर पा रही थी। वहीं घायल बाघिन को 26 नवंबर को रेस्क्यू किया गया और उसे जरूरी उपचार के लिए मगधी रेंज के बरेहा इनक्लोजर में रखा गया था। इलाज के 35 से 36 घंटे के बाद बाघिन की मौत हो गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बिसाहूलाल के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, कोई नेता हो, किसी भी वर्ग का नेता हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों से, समाज के वर्गों से क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे कोई भी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के, इस प्रकार की जो कोई अगर आहत हो, ये दुर्भाग्यजनक है, होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खाद्यान्न में सरसों पिछली बार 5,82,000 हेक्टेयर में पैदा हुई थी, पर इस बार 10,00,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। हमने दोगुना मुनाफा कमाया है। खाद भी हमने सभी किसानों को आवश्यकता अनुसार दिया है और यूरिया पर्याप्त मात्रा में वितरित कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर, SP और DSP सभी को निर्देश दिए हैं कि जो लोग प्राइवेट में कालाबाजारी करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल छापामार कार्रवाई कर FIR दर्ज कराएं। किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि आवश्यकता अनुसार सभी को खाद दिया जाएगा। इसी प्रकार खाद्यान्न में सरसों 5,82,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस समय तक बोनी, इस बार हो चुकी है 9,44,000 हेक्टेयर में। और इस प्रकार पिछले बार की तुलना में लगभग डबल, पिछली बार 6,46,000 में हुई थी, इस बार 10,00,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इस प्रकार कुल बोनी पिछली बार रबी की 62,77,000 हुई थी, इस बार 73,74,000 हो चुकी है। सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करता है, सभी DDS को निर्देशित किया है, कलेक्टर को निर्देशित किया है, SP को निर्देशित किया कि तत्काल छापामार कार्रवाई करें और उनके खिलाफ FIR कराएं। NCC मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ निदेशालय भोपाल के तत्वाधान में
एनसीसी की 73वीं वर्षगांठ और स्थापना दिवस मनाया गया। शौर्य स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। 1971 के युद्ध में शहीद परिवार को सम्मान प्रदान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पत्रकारों से सीएम राइज स्कूल और इसके साथ ही स्कूल व्यवस्था पर कोरोना के मंडराते साए के बारे में भी चर्चा की। हमको यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, एक विद्यार्थी का विचार करना है, तो हमको सबको सकारात्मक मानसिकता के साथ में, और शिक्षकों से भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो सकारात्मक साथ के साथ सोचे, क्योंकि सकारात्मकता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, तो जहाँ हैं वहीं हम रहेंगे। और आगे बढ़ना है, हमारे विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा देना है, तो निश्चित रूप से अनुभवी और जिनको अच्छा नॉलेज है, उन शिक्षकों का हम चयन करने जा रहे हैं। और इसमें किसी प्रकार के कोई विरोध भी करेंगे तो उसका यहाँ असर पड़ने वाला नहीं है, हम केवल विद्यार्थियों की ओर ध्यान दे रहे हैं। भोपाल के अन्ना नगर सिक्योरिटी लाइन पर दो गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं सड़क पर खून से लथपथ पड़े युवक को 108 एम्बुलेंस से ले जाने का इंतजाम किया जा रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने युवक की हालत देखकर तुरंत अपनी गाड़ी से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। साजनपुर के पास मक्सी और नैनावत के बीच नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर सहित दूल्हा दुल्हन और दूल्हे का जीजा सवार थे। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को डायल 100 की मदद से साजनपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनकी हालत गंभीर होने पर इन्हें एम्बुलेंस से इंदौर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान दूल्हे के जीजा की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मंत्री बिसाहूलाल साहू ने राजपूत महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसे लेकर करनी सेना राजपूत समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर बैरसिया के बस स्टैंड चौराहा पर मंत्री को प्रश्न किया, जिसमें उन्होंने मंत्री बिसाहूलाल को बर्खास्त करने के साथ साथ मंत्री पर अपराध दर्ज करने की मांग की। मंत्री के बयान से राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज की महिलाओं में आक्रोश है, साथ ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने और तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। मंत्री जी को बोलने का तमीज, इनकी शब्दावली हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हमें क्या, हम पूरी महिलाओं को नहीं लगे, और आज इसीलिए उनका पुतला दहन हुआ है और वो इस्तीफा दें, एक ही मांग, ना ही उनसे कोई शब्द वो चाहिए तो वो अपनी सफाई करें कि कैसे क्या करा उनने, हमें तो सिर्फ में उनका इस्तीफा चाहिए। और कौन को मंत्री जैसे तो हमारे खेत में भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बोलने का तमीज नहीं है। जिसके पास औरत की रक्षा और औरत के लिए दो शब्द नहीं है बोलने का, और ये क्या समानता का अधिकार, ऐसे हाथ पकड़ के समानता का अधिकार लाएंगे? इनकी समानता तो हम बताएंगे जमीन पे बैठा लगे। और ये नेता ये तो ऐसे वैसे ही बेकाऊ नेता हैं, आप तो एक के तो होके नहीं रहे, और आप क्या नारी की रक्षा करोगे? ये जो मंत्री है बिसाहूलाल, इसके पास घाट डिपार्टमेंट है, वो हमारे किसान परेशान हो रहे, तू तेरे डिपार्टमेंट में काम करना, तू साले महिला समानता की बात करता है, तेरे को जो काम दिया है वो तो सही से कर ले। पहले करनी सेना अगर चाहेगी तो किसान, अगर हमसे समर्थन मांगे, मैं खुद किसान पुत्र हूँ, तो हम लोग किसानों के साथ भी आंदोलन में खड़े होंगे और इनके डंके से डंके बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर यह भी ये लोगों ने संज्ञान नहीं लिया मध्य प्रदेश शासन ने, तो 2022 या 23 के चुनाव में इनको हम हमारी पावर दिखाएंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।
शरीर से रहता है स्वस्थ दिमाग।